हाय एवरीवन, लास्ट ट्यूटोरियल में हमने अपने वेब पेज के लिए लेआउट को क्रिएट किया। आइए अब हम यहाँ पर अपने पेज को प्रॉपरली डिजाइन करते हैं, मतलब कि अब हम यहाँ पर कंटेंट्स और इमेजेस को प्लेस करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है लोगो प्लेस करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर फाइल मेन्यू में आते हैं और यहाँ से इम्पोर्ट पर क्लिक करते हैं। देन हमारे डेस्कटॉप पर हमने ऑलरेडी फोल्डर क्रिएट किया हुआ है फायरवर्क्स फाइल्स, इसको ओपन करेंगे। इसमें हमारे पास लोगो है, लोगो फाइल हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, ओपन करते हैं, देन करते हैं इंपोर्ट और हम यहाँ पर जो इसे एक बार यहीं पर प्लेस करते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर जो है इस बॉक्स को डिलीट करते हैं यहाँ से और इसको यहाँ पर सेट कर लेते हैं। यहाँ पर इसको अलाइन करते हैं इस तरीके से। हम एक बार यहाँ पर लोगो को सेलेक्ट करेंगे, मॉडिफाई मेन्यू में आएंगे और इसे अनग्रुप करते हैं। देन हम यहाँ पर जो है सिर्फ इस वाले पोर्शन को सेलेक्ट करेंगे और इसको थोड़ा सा हम लेफ्ट साइड में मूव करते हैं। हम यहाँ पर जो है लेफ्ट एरो की यूज कर रहे हैं इसको लेफ्ट साइड में मूव करने के लिए। देन अब हम यहाँ पर इस पूरे को सेलेक्ट करते हैं, अगेन मॉडिफाई में आते हैं और इसे ग्रुप करते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर जो है इसको स्केल करेंगे, थोड़ा सा हम इसको छोटा करेंगे यहाँ पर इस तरीके से। इसके बाद अब हम यहाँ पर जो है इस वाले मास्टर इमेज वाले एरिया में इमेज प्लेस करेंगे। तो फिर से हम फाइल मेन्यू में जाते हैं, इम्पोर्ट करते हैं। लाइक हम यहाँ से डीप कॉफ ये वाली इमेज सेलेक्ट करते हैं, ओपन करते हैं, देन इंपोर्ट करेंगे, यहाँ पर इसको प्लेस करते हैं। हम यहाँ पर जो इसको स्केल कर लेते हैं और अब हम यहाँ पर जो है इस इमेज को कट करेंगे, जिसके लिए हम करते हैं कंट्रोल एक्स, क्योंकि हमें यहाँ पर जो है इमेज को मेन इमेज वाले एरिया में मास्क करना है। तो हम इसे कट करते हैं, देन इसे सेलेक्ट करते हैं, एडिट मेन्यू में आएंगे और यहाँ से करेंगे पेस्ट इनसाइड। तो आप देख सकते हैं इमेज मास्क हो गई है। हम यहाँ पर जो एक बार इसको सेलेक्ट करते हैं, देन यहाँ पर हमें जो ब्लू कलर का ये आइकन डिस्प्ले हो रहा है हम इस पर क्लिक करेंगे और इमेज को सेट कर लेंगे इस तरीके से। इसके बाद अब हम यहाँ पर इसकी आउटलाइन को नन करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर सब सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करते हैं, देन बिटमैप पर क्लिक करते हैं, कॉर्नर में आएंगे, क्लिक करेंगे। आप देखेंगे ग्रीन कलर की बाउंड्री अब हमें यहाँ पर शो हो रही है, आप इस पर क्लिक करेंगे और अब आप यहाँ पर इसकी आउटलाइन को नन कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर जो एक बार स्केल टूल सेलेक्ट करते हैं और इस इमेज को थोड़ा सा स्केल कर लेते हैं इस तरीके से। इसके बाद अब हम यहाँ पर इन तीनों बॉक्सेस में इमेजेस को मास्क करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर इन तीनों बॉक्सेस को सेलेक्ट कर लेते हैं और इनकी आउटलाइन को नन करते हैं। देन अब हम यहाँ पर जो है इमेज इंसर्ट करते हैं। लाइक हम यहाँ से जो है ये इमेज सेलेक्ट करते हैं बीच, देन ओपन, इसको यहाँ पर प्लेस कर लेते हैं, लेटर क्यू प्रेस करते हैं और इसे स्केल करते हैं। देन अब हम यहाँ पर जो है इमेज को कट करेंगे, कंट्रोल एक्स, इस बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे और इसमें प्लेस कर देंगे, जिसके लिए हम यहाँ से करेंगे पेस्ट इनसाइड। इमेज आप देख सकते हैं बॉक्स में प्लेस हो गई है, मतलब मास्क हो गई है। अब जैसे कि हमें यहाँ पर जो है इमेज को मूव करना है तो हम क्या करेंगे, पहले इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही ब्लू कलर में चेंज होगा तो यहाँ पर ये जो आप ब्लू कलर का आइकन देख रहे हैं इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर जो है इमेज की पोजिशन को चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। इसी तरह से हम यहाँ पर बाकी के बॉक्सेस में भी इमेज को मास्क करेंगे। तो अब जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर इमेजेस को इन बॉक्सेस में मास्क कर लिया है। इसके बाद हम यहाँ पर जो है टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हम टेक्स्ट टाइप करते हैं। लाइक हम यहाँ पर दे देते हैं हेडलाइन। एक्चुअली टेक्स्ट हमें इसलिए शो नहीं हो रहा है क्योंकि जो टेक्स्ट का कलर है वो व्हाइट है, इसको हम चेंज करते हैं। यहाँ से हम ब्लैक कलर सेलेक्ट करते हैं, देन अगेन हम यहाँ पर टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करेंगे और मेन्यू बार के लिए हम यहाँ पर लाइक टाइप करेंगे होम, पार्क्स, अबाउट अस एंड कॉन्टैक्ट अस। हम यहाँ पर लेटर क्यू प्रेस करेंगे और इसे स्केल कर लेंगे, फॉन्ट साइज रिड्यूस करते हैं। अगेन हम यहाँ पर एक बार टेक्स्ट टूल पर क्लिक करते हैं, इनमें हम यहाँ पर स्पेसेस दे देते हैं, उसको पहले हम यहाँ पर सेट करते हैं इस तरीके से। देन हम यहाँ पर टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करते हैं और इसमें स्पेसेस दे देते हैं। अभी जैसे कि हमने यहाँ पर इनमें स्पेस दिया है, लेकिन अगर आप यहाँ पर चाहें तो टेक्स्ट को इंडिविजुअली टाइप करके उसे अलाइन कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर जो है इसमें कलर फिल करते हैं, पहले हम इसे सेलेक्ट करते हैं। लाइक हम यहाँ से ये कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, ये वाला। देन हम यहाँ पर टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं और टेक्स्ट का कलर चेंज करते हैं।
टेक्स्ट का कलर हम यहाँ पर दे रहे हैं व्हाइट, और इसकी जो आउटलाइन है उसे करते हैं नन। और एक बार हम यहाँ पर जो इसे सेव कर लेते हैं बाय प्रेसिंग कंट्रोल एस। आप चाहें तो आप फाइल मेन्यू में जाकर यहाँ से सेव भी कर सकते हैं। इसके बाद अब हम यहाँ पर इस कंटेंट एरिया में कंटेंट एंटर करेंगे। हमारे पास ऑलरेडी डमी टेक्स्ट है, हम ये वाला टेक्स्ट जो है सेलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं, देन हम यहाँ पर टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे और कॉपी टेक्स्ट को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। हम यहाँ पर जो है एक बार सेलेक्ट करते हैं टेक्स्ट को और उसका कलर चेंज करते हैं, साथ ही हम यहाँ पर इसका जो फॉन्ट साइज है एक बार रिड्यूस कर लेते हैं, इसको हम यहाँ पर छोटा करते हैं। इसका जो फॉन्ट साइज है वो हम रिड्यूस करेंगे और साथ ही हम इसका जो फॉन्ट है वो चेंज करते हैं। लाइक हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं एरियल, थोड़ा सा फॉन्ट साइज अब हम यहाँ पर इंक्रीज कर लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर जो है लीडिंग सेट करते हैं और इसे जो है जस्टिफाई अलाइन कर लेते हैं इस तरीके से। देन अब हम यहाँ पर कीबोर्ड से ऑल्ट की को होल्ड करते हैं और इस टेक्स्ट का डुप्लीकेट यहाँ पर क्रिएट करते हैं और यहाँ पर सेट कर लेते हैं इस तरीके से। इसके बाद अब हम यहाँ पर इन तीनों बॉक्सेस में कलर फिल करेंगे, तो पहले हम यहाँ पर इन तीनों बॉक्सेस को शिफ्ट की प्रेस करके सेलेक्ट कर लेते हैं, देन इसमें कलर फिल करते हैं। लाइक हम यहाँ से इमेज से कलर पिक करते हैं, ये कलर हम ले रहे हैं यहाँ से, आप देख सकते हैं कलर इसमें फिल हो गया है। इसकी आउटलाइन को नन कर लेते हैं, साथ ही जो हमारा टेक्स्ट का कलर है उसे हम करते हैं व्हाइट। और इसके बाद अब हम यहाँ पर फुटर एरिया में कलर फिल करते हैं, हमें यही कलर जो है अपने फुटर एरिया में फिल करना है। हम यहाँ पर जो है आई ड्रॉपर टूल सेलेक्ट करते हैं, कलर पिक करते हैं, तो आप देख सकते हैं वही कलर जो है सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट में फिल हो गया है। और अब हम यहाँ पर अपने फुटर एरिया पर कुछ कंटेंट ऐड करते हैं। लाइक हम यहाँ पर जो है सोशल मीडिया आइकन ऐड करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर जो है कॉमन लाइब्रेरीज में आते हैं। यहाँ पर हमारे पास आइकन्स का एक फोल्डर है, इसे हम ओपन करेंगे। यहाँ पर हमारे पास फेसबुक है, इस एलिमेंट को हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं यहाँ पर इसी तरीके से। यहाँ से हम लिंक्डइन सेलेक्ट करते हैं और इसे अपने फुटर एरिया पर ड्रॉप करते हैं। देन यहाँ से ट्विटर को सेलेक्ट करते हैं और इसको ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप करते हैं। तो हमने यहाँ पर जो है तीन आइकन्स ले लिए हैं। इसके बाद हम यहाँ पर जो है एक बार HTML फोल्डर में आते हैं। यहाँ से हम टेक्स्ट फील्ड सेलेक्ट करते हैं और साथ ही हम यहाँ पर जो है एक बटन लेते हैं, बटन यहाँ पर इंसर्ट कर लेते हैं इस तरीके से, इसको क्लोज कर लेते हैं। अब जैसे कि हम यहाँ पर इन आइकन्स का कलर चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले आपको यहाँ पर जो है इन्हें ब्रेक करना होगा। पहले हम यहाँ पर जो इन तीनों आइकन्स को सेलेक्ट कर लेते हैं शिफ्ट की प्रेस करके, देन मॉडिफाई मेन्यू में आते हैं, सिंबल को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से करते हैं ब्रेक अपार्ट। ब्रेक अपार्ट करते ही ये ब्रेक हो जाते हैं, मतलब कि आप समझ सकते हैं कि ये अनग्रुप हो जाते हैं। और अब आप इसमें जो भी कलर देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर व्हाइट कलर ले रहे हैं इस तरीके से, और इसे हम यहाँ पर जो है लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर लेते हैं इस तरीके से। इसी तरीके से हम यहाँ पर इसको भी सेट कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पर ये टेक्स्ट चेंज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सिंपली इनको सेलेक्ट करेंगे, मॉडिफाई मेन्यू में आएंगे, सिंबल पर क्लिक करेंगे और इसे भी ब्रेक अपार्ट करेंगे। और अब आप इसमें क्लिक करेंगे और अब आप यहाँ पर जो है टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करेंगे, इसमें क्लिक करेंगे और अब आप जो भी टेक्स्ट देना चाहते हैं वो यहाँ पर आप एंटर कर देंगे। लाइक हम यहाँ पर दे रहे हैं साइन अप, इसका भी टेक्स्ट हमें चेंज करना है, टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करते हैं, इसका टेक्स्ट हम यहाँ पर चेंज करते हैं। लाइक हम यहाँ पर लिखते हैं सबमिट। और अगेन हम यहाँ पर टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हम टाइप करते हैं फॉलो अस ऑन तरीके से, इसका कलर चेंज कर देते हैं व्हाइट, इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज करते हैं और ये वाले जो आइकन्स हैं इनको हम एक बार फिर से सेलेक्ट कर लेते हैं, इनको थोड़ा सा राइट साइड में शिफ्ट कर लेते हैं, यहाँ पर सेट कर लेते हैं इसे। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं फाइनली जो हमारा पेज है वो क्रिएट हो गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से फ्रेंड्स अपने आज के इस ट्यूटोरियल में हमने अपना वेब पेज डिजाइन किया। थैंक यू।